बीच में प्रश्न जाना पहचाना है। सारे लोग उसे अच्छी तरह जानते हैं। आप सुनोगे हनुमान जी द्वारा लंका दहन और हनुमान जी द्वारा मां सीता की खोज। सज्जनों, जब हनुमान जी रामादल से मां सीता की खोज में जाते हैं तो एक पर्वत के शिखर पर चढ़कर देखते हैं कि लंका नगरी कितनी दूर है। हेलो, हनुमान जी अपना छोटा सा रूप लेकर के और लंका में प्रवेश करने के लिए जाते हैं तो लंका के मुख्य दरवाजे पर स्वयं नंदिनी पहरा दे रही थी। जैसे ही हनुमान जी ने अपना छोटा सा रूप लेकर के लंका में प्रवेश करने के लिए जाते हैं तो वो लंकनी हनुमान जी का रास्ता रोक करके खड़ी हो जाती है। कहने लगी, अरे भाई तू कौन है, कहां जाता है, बिना इजाजत के प्रवेश किए जा रहा है। हनुमान जी ने बिना विचार किए ही लंकनी को एक ही बार से बेहोश कर दिया। तब लंकनी को होश आया। जब लंकनी को होश आया तो हनुमान जी से कहने लगी, मैं तुझे पहचान गई। एक बार भगवान ब्रह्मा ने रावण को वरदान दिया था और मुझसे कहा था कि जब कभी तेरी हनुमान नाम के वानर से भेंट होगी तो समझ लेना इस राक्षस कुल का विनाश है। अरे तुम जिस कार्य के लिए आए हो वो कार्य अपना पूरा करो। हनुमान जी एक ही बार से उसे प्राण मुक्त करके लंका में प्रवेश कर जाते हैं। मां सीता को देखते देखते जा रहे थे लेकिन कहीं पता नहीं चला। देखी सज्जनों, वापस आते समय हनुमान जी राक्षस नगरी में क्या देखते हैं, क्या मन में विचार करते हैं, क्या देख रहे हो भैया? आरे पर्वत के ऊपर चढ़ो पवन पुत्र हनुमान, लंकपुरी को देख के लगा रहो हनुमान, लगा रहो हनुमान बोल रहे हैं भारी रखवारे। अरे धर छोटो स्वरूप पवन सुत लंका और पधारे, मिली लंकनी दरवाजे पे हनुमत से जो बोल रही, अरे कौन कहां से आए कहां को जावे परचे पूछ रही। बजरंगी ने मैरो भूषा धरती पे लुढ़का दई, आयो होश भई ठाड़ी तब हनुमत को समझा रही। कैसे रावण को वरदान दियो विधि ने मोसू या बात कही, तो कपि मारे बेहोश होए ने शर को मंत ले मान सही। हनुमान जी एक ही बार से प्राण मुक्त करके और राक्षस नगरी में प्रवेश कर जाते हैं। देखिए सज्जनों, वापस आते समय हनुमान जी राक्षस नगरी में क्या देखते हैं, क्या मन में विचार करते हैं, क्या देख रहे हो भैया? हाँ, घर घर ये दी जग जननी को पाई रे अंजनी लाला को। कैसे भाई? घर घर ये दी जग जननी को पाई रे अंजनी लाला को, अरे कैसो कौन पुरुष लंका में तेरे माला को। घर घर ये दी जग जननी को पाई रे अंजनी लाला को, रे कैसो कौन पुरुष लंका में तेरे माला को। घर घर ये जग जननी को पाई रे अंजनी लाला को, रे कैसो कौन पुरुष लंका में तेरे माला को। देखिए सज्जनों, हनुमान जी और वापस आते समय राक्षस नगरी में क्या देखते हैं, क्या देख रहे हो भाई? रंग मेलन के बीच अकेलो रावण सो तो पायो, गुरुजन के सुता नहीं मिली बगट वापस मेलन सो आयो। अरे बजो जब आगे को हनुमान, सो लगे देख बंगे सो एक मकान, लिखो बप महामंत्र पायो और राम नाम को देख पवन सुत नीचे उतरायो। लगाई राम नाम की तेर जब ठाडो होयो, विभीषण भोरन करी न पल की देर, दंडवत हो रहे आपस में और कहो निज कथा पधारे कैसे आश्रम में। लगो तुम हुए हरि के से दास और रोम रोम मेरो पुलकित हो गयो है मन में विश्वास। करण बोल पद भागी आए और पिप्र भे
देश में राम भगत की कुटिया पे नाए विभीषण करने लगो गुण गान और करे सदा से भक्त से प्रीति कहने लगो हनुमान जरा तुम देखो मेरी ओर अरे नहीं ऊंचे कुल में जन्मियो ये बानर जाति है मोर प्रात जो नाम ले भारो कैसे दिन भर खावा अन्न मिले नहीं दुख पावे भारो मुंह पे करे कृपा रघुवीर अरे तू बासी ताको पतो बता मुझे जब ही बदे वो धीर हनुमान जी सीता को देखते हुए जा रहे थे लेकिन कहीं पता नहीं चला और वापस आते समय उस राक्षस नगरी में देखते हैं कि भगवान के उस महामंत्र को एक मकान पर भगवान का महामंत्र रखा हुआ था उसे पढ़ करके हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि इस राक्षस नगरी में ऐसा कौन है जो मेरे स्वामी का भक्त है चल करके देखना चाहिए। हनुमान जी विप्र भेष धारण करके और विभीषण के द्वार पर जाकर के जैसे ही भगवान के नाम का अलख जगाया तो विभीषण तुरंत खड़े होकर के दरवाजे पर आए हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और दोनों को आपस में परिचय होता है तो हनुमान जी और विभीषण से कहते हैं भैया तुम्हारे भाई रावण ने मां सीता का हरण किया है और मैं सारी राक्षस नगरी में देख कर गया हूं लेकिन मुझे कहीं पता नहीं चला आप उनके बारे में मुझे बताएं। तो देखिए सज्जनों क्या होता है भैया हनुमान जी के पूछने पर और विभीषण को सारी बातें बताते क्या कहते हैं भाई मां सीता को बता दियो बन रहवा को ये स्थान कैसे चलो अरे बाने को हनुमान रे घर घर रे घर घर रे को भाई रे लाला को रे तो घोर पुरुष लाता में फिर लाला को घर घर रे घर घर रे को भाई रे लाला को रे तो घोर पुरुष लाता में फिर लाला को जब तो फिर से हनुमान जी अपना छोटा सा रूप धारण कर लेते हैं और विभीषण के बताए अनुसार अशोक बाग में जाकर के पेड़ के ऊपर चढ़ करके पत्तों का झुंड बना लेते हैं और वहां जाकर के छुप जाते हैं। देखिए क्या होता है भैया भाई धर छोटो स्वरूप ए जी धर छोटो स्वरूप पवन सुत मन अशोक में आयो और मन ही मन कर प्रणाम देख माता को बहुत पछतायो दुर्बल हो गो कतई शरीर कैसे नजर सुमर रही अबध पति रघुवीर लगा रही पति चरणन में ध्यान अरे तरु पर लब में छुपियो सोच रहे अंजनी को हनुमान मिटाऊ इनको कशा कलेश और बहुना रीशम ले तभी महा पहुंचो लंकेश डरावे दे ये खूब धमकी और एक बार मेरी ओर देख से करन लगो विनती बड़ा मंदोदर सी रानी जब जनक सुता कर क्रोध कहने लगी सुनो ओ अज्ञानी हजारों जुगनों परे प्रकाश कैसे और जब हुक्मन नहीं खिले हरामी छोड़ व्यर्थ की आश क्रोध दश कंदर को आयो राम बतायो भानसन मोय जुगनों बतलायो हाथ में तेगा लियो उठाए कैसे सर धड़ से दहू उड़ाए वचन जब सीता नो बोली हे चंद्र हास दुख हरो मेरी तू बन जा हम जोली तो सीता को मारन लगो और मंदोदरी रही समझाए कैसे और पर तिरिया परिहास शेर तेरो सर धड़ से उड़ जाए जैसे ही हनुमान जी पेड़ के ऊपर जाकर के छुप जाते हैं कुछ देर पश्चात राक्षस राज रावण अपने साथ कुछ राक्षसियों को लेकर के मां सीता को डराने धमकाने के लिए उसी बाग में आ जाता है। मां सीता को डराता धमकाता है और कुछ राक्षसियों को वहीं छोड़ करके वापस अपने महल को चला जाता है। उसी बीच एक त्रिजटा नाम की राक्षसी आई उन सारियों को अपने पास बुलाती है और कहने लगी कि अरे बहन आज मुझे एक स्वप्न आया था उसके बारे में मैं तुम्हें बताती और मेरा स्वप्न कभी झूठा नहीं होता। तो देखिए सज्जनों क्या होता है भैया
रावण की करनी बैठ पेट में देख रहे हो हनुमान, और देशरी नारी डस रही है सीता को बेपरवान। तेरे जटा जब वहां पे आई कैसे, पासवन सारी समझाई करो इनको आदर सम्मान। अरे सपनों आयो आज मोए मंगो करा दो सब ज्ञान, जला दई बानर ने लंका, मेरो सपनों साचो होए करो मत तुम दिल में शंका। सिर्फ दो चार दिना की बात, और निश्चर नारी डरे जोड़ रही जनक सुता के हाथ, सब अपने घर आई सोच मात मेरी अब मुश्किल नहीं। भक्त एक महीना को दियो दे मना आग जल मरू रातो पक्को कर लियो। सजनो उत्लेटा नाम की राक्षसी उन सारी राक्षसियों को बुला करके उन सारी बातों को बताती है, कहती है कि मेरा स्वप्न कभी झूठा नहीं हुआ। आज मुझे स्वप्न ऐसा आया था कि एक बानर ने सारी लंका को जला करके राख कर दिया, और दशानन रावण गधा के ऊपर बैठे हुए मुझे दक्षिण की ओर जाते हुए नजर आए, और ये सिर्फ दो चार दिन की बात है, मेरा सपना सच होने वाला है। सज्जनों वो राक्षसी सीता जी का सम्मान करके वापस अपने अपने घर चली जाती है, तो माता सीता और त्रिजटा से अपने पास आकर के कहने लगी, अरे मैया मेरे स्वामी ने मुझे एक माह का समय दिया है लेकिन अभी तक कोई शुभ नहीं ली, आप जल्दी से छत्ता बनाओ और छत्ता बना करके उसमें अग्नि प्रवेश करो, मैं अपना देह छोड़ना चाहती हूँ। देखिए सज्जनों क्या होता है, क्या होता है, पेड़ के नीचे बैठी हुई माता सीता किस तरीके से विलाप करती है, कैसे कर रही है, अरे माते मेरी चितारे बढ़ाए दे, अरे बाबे अग्नि लगा दे भूकूंगी अपनो शरीर, सुनो रे मेरी नभ के तारे कैसे, अरे सुनो मेरी नभ के तारे गिरो बन तुम हमारे, गयो रे विधाता मोसे रूठ, छाती याद बलमा किरे आती कोई ना बनावे मोकूर, देख बिरह सीता माता को घबरायो कपिराई, और तीन मुद्र का डार कपि ने समर हृदय रघुराई, तो देख मनोहर मुद्र का उठा लई झट बाम, और चकते भई मा जान की तो बाप लिखो राम को नाम। सज्जनो हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि माता के दुख को कैसे दूर किया जाए, उसी बीच उसको याद आया कि भगवान श्री राम ने मुझे निशानी के तौर पर एक मुद्रा दी है, उसे मैं पेड़ से नीचे छोड़ता हूँ, शायद उसे देख करके माता को कुछ धैर्य बंधे। हनुमान जी इस मुद्रा को समूथी को जैसे ही पेड़ से नीचे छोड़ते हैं, माँ सीता के सामने आई, और माँ सीता उस मुद्रा को अपने हाथ में उठा करके देखने लगे, मन में विचार करने लगे कि ये मुद्रा ये अंगूठी तो मेरे स्वामी की है लेकिन यहाँ ये आई कैसे, इसे यहाँ कौन लाया है, और उससे क्या पूछने लगी, क्या पूछ रही भैया, अरे तू कैसे आई रे कौन लायो समाचार बता दे मेरा ढोला को कैसे, कि तू कैसे आई रे कौन लायो समाचार बता दे मेरा ढोला को, वो घोड़ो घना दे मन सूखो देखो मैं ढोला को से क्या पूछने लगी, क्या होता है, क्या होता है भैया, जगत भई सीता जी मुद्र का लंका कैसे माई, और कभी हरि से कभी दुख पावे वा मन ही मन बुलाई, पूछ रही मुद्र का से समाचार तू कैसे माई गुण लायो मेरो खाचो जो भरतार, अरे बहन मुझे तू सही सही बता तुझे यहाँ कौन लाया, और क्या पूछने लगी, क्या कह रही है भैया, अरे या मुट्ठी मोहे साच बता दे से सही सही कह दे कहा छोटे हैं बेलक्ष्मण राम अवध के राज दुलारे मेरे प्राणन प्यारे
ये तेने कहा बेशेराए रची ने पाया से नहीं जावे जीते नहीं प्रभु को पावे फिर गई तू यहाँ अब कैसे आए भटी दे मेरी जावे छाती याद बलमा की रे आती कोई ना बनावे सीता मन विचार सुन बोलो मधुर बचन हनुमान और श्री राम की लीला को वाकरन लगो गुणवान अरे खुशी छाई सीता के मन में मेरे आगे तो नहीं आए छुपियो कौन बेचो बेदन में तुरंत का दे नायो हनुमान पीठ फेर गई बेट सिया नहीं लगा सकी हनुमान हनुमान जी मां सीता के दुख को सह नहीं कर पाए और पेड़ के ऊपर बैठे हुए भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे जैसे ही भगवान के नाम के कीर्तन का शोर सुना मां सीता एकदम से खड़ी हुई और इधर उधर देखने लगी अरे भाई तू कौन है मेरे सामने क्यों नहीं आता सीता जी के आग्रह पर हनुमान जी जैसे ही पेड़ से नीचे कूदते हैं मां सीता हनुमान जी के उस रूप को देख करके नजर फेर जाती है और जैसे ही हनुमान जी ने अपनी ओर से मां सीता को नजर फेरते हुए देखा तो हनुमान जी क्या कहते हैं क्या कह रहा हूं भैया अरे अरे मोड़ो मत मोड़े सीता जी कैसे मोड़ो मत मोड़े सीता जी भेजो राम को आयो भेजो राम को आयो सातरे समंदर लंका पार कर आयो तू मोड़ो मत मोड़े सीता जी भेजो राम को आयो भेजो राम को आयो और क्या कहते हैं क्या कह रहे हो ये कहे भैया इस समुद्र का को मैं ही लाया हूं सज्जनों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं रामायण जी ने लिखा है राम दूत में मात जानकी शपथ करुणान धान की जय हो अरे भैया मैं भगवान राम की शपथ खा के कहता हूँ इस समुद्र का को मैं ही लाया तो क्या कहती है देखिए क्या कह रही है भैया मात मूत्र का राम शेर में लायो तेरे पास पैसे अरे पर सत्य शपथ करुणान धान कियो हनुमान जी ने माता के सामने भगवान की शपथ खाई तो भैया को पूरा विश्वास हो गया और हनुमान जी से क्या पूछने लगी चकते भई सीता जी मुद्र का लंका कैसे आई कैसे कभी हर से कभी दुख पावे बा मन ही मन अकुलाई पूछ रही मुद्र का से समाचार कैसे हनुमान जी और मां सीता से कहने लगे भैया मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं अगर आपकी इजाजत हो तो इस बाग में जाकर के मैं कंद मूल फल खाकर के अपना पेट भर लो हनुमान जी से मां सीता कहने लगी बेटा यहाँ के राक्षस बहुत बलवान है अरे तू यहाँ से तुरंत भाग जा वरना वो तुझे मार देंगे तो हनुमान जी ने मन में विचार किया कि मैया को मुझ पर विश्वास नहीं है हनुमान जी अपना विकराल रूप दिखाते हैं तो हनुमान जी के स्वरूप को देख करके मैया को पूरा विश्वास हो गया और हनुमान जी को आदेश दे देती क्या कहती है क्या कह रही है भैया भाई बलबूती मैंने गुण जानते रही सीता आदेश कैसे और जा फल का बेटा बाग मेल तेरी साय करे अब सीता का आदेश पाकर के बाग में जाता है किस तरीके से उत्पाद मचाता है क्या होता है क्या होता है भैया दियो सीता ने आदेश भवन सत बागन में गयो आए और बड़े प्रेम से फल खाए तबीयत से भूख मिटाए तुरंत मन चंचलता गई आए कैसे पेड़न के बुद्धे तोड़ तोड़ धरती पे दिए बिछाए कछु जल में से
लिए उखाड़ जब ओड़ो सोड़ो डोले कतई फुलवारी दई हो जा पतो जब माली कूला गयो कैसे अरे हाथन में लियो फेटो बास भगावा बानर कुआ गो करे माली दैया दैया बाप पटर पूछ सो उठा लियो अब किशा करू मैया जोर रहे बजरंग की को हाथ कैसे बाप पटक दियो एक दम से जमा दई कणिया ऊपर लाद बिचारी माल रोधन मचाए तू मत मारे मेरा ढोला कुबा सौ सौ मोहरा खाए ताबड़ा को भजबा को लागो बागिर तो पड़तो जाए सवारा बाकी में नागो निकल रही नहीं वो खुशी वाणी एक बंदर ने बगिया की उड़ा दई कतई धूम दारी देश देश बगिया करी आयो युद्ध पाती चीज कैसे करू भारी साय करो दस शीश हनुमान जी के तुम रात को देख करके कुबा तरक संभाली ऐसे तैसे अपने प्राण बचाकर के रावण के दरबार में पहुंच जाता है और जाकर के रावण से अपने प्राणों की गुहार करने लगा कहने लगा महाराज आज एक बार में ऐसा वादा आया है जिसने सारी बगिया को उजाड़ कर दिया है सारे पहरेदारों को मार दिया है ऐसे तैसे मैं अपने प्राण बचा करके आपके पास आया हूँ आप मेरी सहायता कीजिए तो माली रावण से क्या कहता है क्या कह रहा हूँ भैया अरे दस बंदर तेरी बगिया अंदर बंदर आयो तगड़ो कहले दस बंदर तेरी बगिया अंदर बंदर आयो तगड़ो वो दरखत पेड़ उठारे में धाड़ मार तो जाए तुरंत बागन में पहुंच